सभापति साइड में दीपक जी थोड़ा नीचे करो चुपा कुल में बाढ़ में के मौसम और दोनों से निवेदन करूंगा कि देखो इसके जैसा पुण्य कोई नहीं। एक गरीब जिसको एक रोटी समय पर भूखा रहता है उसको अगर अपन भोजन खिला दें उससे ज़्यादा पुण्य का काम नहीं है। बहुत अच्छा कार्य है, पुण्य का काम है। आप मसा इसमें आगे आओ, इसमें सहयोग करो। और सब जगह अभी हमने सीएम साहब की विसी थी उसके अंदर भी कई संस्थाएँ आई, आगे आकर उन्होंने कहा कि हम अच्छा खाना खिलाएंगे। अभी देखो कि इसमें ये हलवा है तो ऐसी बार बार इसमें और भी हम बदलेंगे कि इनका जो मेनू है कि भैया अच्छा खाना मिले, स्वाभिमान के साथ वो यहाँ खाना खाए, ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारे मुख्यमंत्री की सोच है। और अच्छी रसोई चलेगी इंदिरा रसोई, ये आपको विश्वास के साथ। देखिए जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए आज हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर इंदिरा रसोई योजना का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी ज़रूरतमंद, इसमें किसी की भी पहचान की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति आकर के और यहाँ पर जो खाना है वो प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत 8 रुपये लाभार्थी को स्वयं को अदा करना है, 12 रुपये सरकार इसमें अनुदान दे रही है, 20 रुपये के हिसाब से प्रति थाली के हिसाब से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना अपने आप में बहुत ही पारदर्शी है। जैसा कि आपने देखा था कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी यहाँ खाना खाने आएगा उसका सबसे पहले जो कूपन है वो जनरेट होगा और कूपन के बाद में उसको है जो थाली उपलब्ध कराई जाएगी और एक तरीके से उसको भरपेट भोजन, इसमें पूरा 100 ग्राम उसकी सब्जी, 100 ग्राम दाल, अचार और 250 ग्राम चपाती, और आज चूँकि शुभारम्भ है तो उस अवसर पर हलवा भी आज यहाँ दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इस योजना की क्रियान्वयन के पश्चात कोई भी व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है वो भूखा नहीं सोए, हम सब का दायित्व है, एक संवेदनशील सरकार का दायित्व है और उसकी निश्चित रूप से आज प्रतिपूर्ति यहाँ हो रही है। ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और एक अहम कदम है उन लोगों के लिए जो कभी बार खाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे या काफ़ी बार उनको मजबूरी में भूखा सोना पड़ता था। ये योजना उन लोगों के लिए बहुत बहुत लाभदायक होगी। सर इसमें जैसा राज्य सरकार ने तय किया था कि प्रत्येक जो नगर परिषद एरिया है उसमें 3 रसोई प्रारंभ की जाएगी, प्रत्येक दिन 150-150 थालियाँ इसमें बनाई जाएंगी। और भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन के अवसर पर ये भी कहा है कि इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम नियमों में वो भी शिथिलता प्रदान करेंगे। अभी अपन इसका क्रियान्वयन है जो देखते हैं कितनी लोगों की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से जैसा कि जो 3 स्थान हमने तय किए हैं उन 3 स्थानों पर जो ज़रूरतमंद है वो भोजन प्राप्त करेंगे। जो सवेरे का भोजन है वो 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक और सायंकाल का जो भोजन है वो 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक जिला स्तरीय समिति है जो निरंतर उसकी मॉनिटरिंग करेगी। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राज्य सरकार ने ये भी एक निर्धारित किया है कि जो लोगों की अभिरुचि का जो भोजन है, जैसे स्थानीय स्तर पर ये भी आज दिशा निर्देश दिए हैं कि जैसे अपने यहाँ पे मारवाड़ में, बाड़मेर में कुछ बाजरे की रोटी भी पसंद करते हैं, तो कभी कभार हम बीच में इसका जो मेनू है वो उस तरीके से बनाएंगे जैसे अपनी जो लोकल सब्जियां हैं वो, और बाजरे की जो चपाती है वो भी समय समय पर हम लोगों को देंगे। तो निश्चित रूप से जो पौष्टिक और एक तरीके से जो स्थानीय स्वाद के आधार पर आधारित जो भोजन है वो ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाए। थैंक यू। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि कोई गरीब भूखा न सोए, उसी की दिशा में जो मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधायक साहब ने, क्लब साहब ने जो हम नगर परिषद को जो जिम्मा दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे गरीब आदमी को सम्मानजनक बिठाकर शुद्ध और पौष्टिक खाना खिलाया जाएगा। और जैसा कि माननीय विधायक साहब की इच्छा है कि
है, किसी गरीब के पास अगर 8 रुपए भी नहीं है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं मैं और मेरी पूरी पार्षदों की टीम हम इसमें सहयोग करेंगे और उनसे 8 रुपए भी नहीं लेंगे और अच्छा खाना खिलाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।